सुंदरपुर नाम के गांव में श्रीराम नाम का आदमी रहा करता था। उसको एक समर नाम का बेटा था। समर पढ़ाई करने में बहुत होशियार था। वो कॉलेज करके अपने पिताजी को मदद कर दिया करता था। उसकी माँ सुषमा घर के सारे काम किया करती थी। श्रीराम की चाय की दुकान होने के कारण उसे दिन भर कुछ ना कुछ काम रहता था, और जब से समर उनको मदद करने लगा था तब से उसका काम कम हो गया था। एक दिन श्रीराम समर से, बेटे तुम आगे क्या करना चाहते हो? पिताजी मैं एक अच्छी कंपनी में नौकरी करना चाहता हूँ और मैं अगले महीने शहर जा रहा हूँ। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे बेटा। ऐसा कहकर श्रीराम अपना काम करने चला जाता है। कुछ समय बाद समर शहर जाने का निर्णय लेता है। समर अपने माँ पिताजी की आज्ञा लेकर जाने के लिए निकलता है। बेटे वहाँ जाकर अपना ख्याल रखना। ये लो कुछ पैसे, तुम्हें काम आएंगे। जी पिताजी। अब समर बस में बैठकर शहर चला जाता है। बस से उतरते समय उसका वॉलेट कोई चुरा लेता है। सारे पैसे वॉलेट में होने के कारण उसके पास कुछ भी पैसे नहीं रहते। वो बस से नीचे उतर जाता है। उसे तेज भूख लगने के कारण समर अपने पास और कुछ पैसे है क्या ये देखता है। तभी उसे 10 रुपए मिलते हैं। वो देख, अब मैं इन 10 रुपए से क्या करूं? फिलहाल एक कप चाय ही पी लेता हूँ। ऐसा सोचकर समर रघु के चाय की दुकान पर चला जाता है। रघु अपनी दुकान पर चाय बना रहा था। रघु समर से, अरे भाई लगता है तुम इस शहर में नए आए हो। जी मैं इस शहर में नया हूँ। भैया मुझे कप चाय दे देना। ये लो, तुम बड़े चिंतित लग रहे हो, क्या हुआ है? आज मेरा वॉलेट बस से उतरते समय चोरी हो गया है। अरे भाई यहाँ चोरियाँ बहुत होती है, अब तुम कहाँ रहने वाले हो? यही फुटपाथ पर रह लूंगा, जब काम मिलेगा तब कुछ ना कुछ देख लूंगा। तुम चाहो तो मेरे दुकान पर सो सकते हो और कुछ दिनों तक मेरे यहाँ काम भी कर लेना। ये सुन समर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। समर उसकी दुकान में रहकर काम करता है। समर सुबह उठकर दुकान की साफ सफाई करता है। रघु आने के बाद उसे सारा काम समझा देता है। थोड़े ही दिनों में समर उसका काम अच्छी तरह से करने लगता है। उसका काम देख रघु उस पर बहुत खुश था। अचानक से एक दिन रघु की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। रघु 2 दिन तक दुकान में नहीं आता। तभी दुकान का सारा काम समर संभाल लेता है। समर के हाथ की चाय लोगों को बहुत पसंद आने लगी। 2 दिन तक लोगों को चाय का स्वाद अलग लगा, मगर लोगों को वो स्वाद पसंद आया। अगले दिन रघु दुकान पर वापस आ जाता है। तभी बैंक मैनेजर वहां आकर, रघु तुम्हारे यहाँ का लड़का बहुत अच्छी चाय बनाता है, एक चाय देना मुझे। ठीक है साहब अभी लाता हूँ। अरे रघु भाई एक कप चाय मुझे भी देना। अभी लाता हूँ भाई। और हाँ रघु भाई समर के हाथों की ही चाय देना। ये सुन रघु के मन में समर के प्रति ईर्ष्या निर्माण हो गई। रघु मन में, मैं इतने दिन से चाय बना रहा हूँ तो इन लोगों को वो चाय पसंद नहीं आई, और 2 दिन में समर के हाथों की चाय क्या पी ली तो इन्हें बहुत पसंद आई। आज उसी को चाय बनाने को कहता हूँ, कल से मैं ही बनाऊंगा। रघु दुकान में जाकर समर से, समर 2 चाय बनाना जल्दी। जी अभी बनाता हूँ। ऐसा कहकर समर 2 कप चाय बनाकर देता है और बाकी के काम करने लगता है। ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं। तभी रघु के मन में समर के प्रति जलन बढ़ गई थी। इसीलिए एक दिन रघु समर से, जाओ समर बैंक में चाय देकर आओ। भैया ये चाय तो सुबह की बनाई है, मैं ताजी चाय बनाता हूँ और वही लेकर जाता हूँ। तू क्या मेरा धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं भैया, मैं तो कह रहा हूँ कि हम जब चाहिए तब चाय बनाकर दे सकते हैं, तो हम ये सुबह चाय क्यों बनाकर रखते हैं? तुम मुझे सिखा रहे हो, मैंने तुम्हें काम दिया और तुम मुझे ही सिखाओ। हाँ नहीं भैया, मैं अभी चाय लेकर जाता हूँ। मुझे जबान लड़ाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। आज से तुम मेरे यहाँ काम करने मत आना। ये लो तुम्हारे महीने के पैसे। मगर भैया मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। समर बड़े दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। उसे रघु ने दिए हुए पैसों में से थोड़े पैसे अपने पिताजी के अकाउंट में डालने थे, इसीलिए समर बैंक में चला जाता है। समर 1000 रुपए अपने पिताजी के अकाउंट में जमा कर देता है और मैनेजर से मिलकर जाने का सोचता है। वो मैनेजर के कैबिन में जाकर, नमस्ते साहब। अरे आओ ना समर, आज चाय नहीं लाए? मेरी नौकरी चली गई है साहब। क्यों? तभी समर सारी बात मैनेजर को बता देता है। मैनेजर को उसकी बात सुनके बहुत बुरा लगता है
और मैनेजर उसके सामने एक प्रस्ताव रखता है। समर, अगर तुम खुद का काम शुरू करना चाहते हो तो मैं तुम्हें बैंक का लोन दिलवा सकता हूँ। साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ऐसा हुआ तो मुझे काम करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, कल तुम्हें बैंक से लोन मिल जाएगा, अब तुम जाओ। समर खुद के सारे काम करके रात के समय रास्ते पर ही रहता है। अगले दिन बैंक में जाकर लोन के पैसे लेकर खुद का एक दुकान किराए पर खरीदता है और उसमें चाय की दुकान खोलता है। उसकी दुकान पर पहले दिन कोई नहीं आया, बाद में उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ होने लगी। समर के हाथ की चाय लोगों को बहुत पसंद आने लगी, इसीलिए लोग उसकी दुकान पर चाय पीने के लिए आते थे। एक दिन समर का दोस्त सुहास उसके दुकान पर आया। समर, तुम्हारा ये दुकान देखकर बड़ी खुशी हुई, अब मुझे एक तुम्हारे हाथ की चाय तो पिलाओ। अभी पिलाता हूँ। समर सुहास को चाय पिलाता है और उससे बातें करता है। सुहास का होटल था, उसके होटल में तंदूरी चूल्हा पड़ा हुआ था, इसीलिए समर वो चूल्हा लेकर आया और उस पर चाय बनाने लगा। एक दिन एक छोटी लड़की मिट्टी के छोटे छोटे मटके बेचने आती है। वो समर से, भैया ये इतने ही मटके बचे हैं, इसे खरीद लो, मेरी टोकरी खाली हो जाएगी। मैं तुम्हारे ये छोटे मिट्टी के मटकों का क्या करूँगा? ले लो ना भैया, घर पर जाकर पढ़ाई भी करनी है। उसकी बात सुन समर ने उसके पास के सब मिट्टी के छोटे मटके खरीद लिए और अपने दुकान में रख दिए। वो रात को सोने जा रहा था तभी उसके मन में विचार आया, अगर हम मिट्टी के बर्तन में खाना बना सकते हैं तो चाय क्यों नहीं बना सकते। समर ये सोच रहा था तभी उसे तंदूरी चूल्हे की याद आई जो समर ने अपने दोस्त के यहाँ से लाया था। वो मन में, मैं चूल्हे में छोटे छोटे मटके डालकर उनको गर्म करूंगा और उसमें चाय डालकर लोगों को दूंगा। अगले दिन उठकर समर सारे काम कर लेता है और सुबह ही तंदूरी चूल्हा जलाकर उसमें मटके डाल देता है। मटके बहुत गर्म हो जाते हैं। गर्म मटकों को उठाकर समर उसे एक पतीले में रख देता है और उसमें चाय डाल के देखता है। चाय को अच्छी तरह से उबाल आता है। उस चाय का सुगंध बहुत अच्छा आने के कारण समर वो चाय थोड़ी पीकर देखता है। उसे चाय का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। वो खुद से, ऐसी स्वादिष्ट चाय लोगों को जरूर पसंद आएगी। समर दुकान में बोर्ड लगा देता है। वो बोर्ड देखकर बहुत से लोग समर से पूछने लगे। तभी समर ने उन सभी लोगों को तंदूरी चाय पिलाई। सभी लोगों को चाय बहुत पसंद आई। ये देख समर समझ गया कि लोगों को चाय पसंद आई। उसकी दुकान में अब बहुत भीड़ होने लगी। उसकी तंदूरी चाय बहुत प्रसिद्ध हो गई। अब समर ने उसकी दुकान में काम करने के लिए लोग रख दिए। उसका धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। समर ने शहर में दो तंदूरी चाय के दुकान और दूसरे शहर में भी तंदूरी चाय के दुकान खोल दिए। उसका चाय का धंधा बहुत बढ़ गया था। रघु के हाथ का स्वाद लोगों को पसंद ना आने के कारण लोग उसकी दुकान पर नहीं जा रहे थे। अब रघु के पास पैसे ही नहीं थे। तभी उसे समर की याद आती है और रघु समर के पास चला जाता है। अरे रघु भैया, आप आइए ना, क्या काम था? मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। आपको कितने पैसे चाहिए? मुझे 10,000 रुपए चाहिए थे समर, उधारी चुकती करनी है। समय ना गवाकर समर अंदर से पैसे लेकर आता है और रघु के हाथों में रख देता है। समर रघु से, रघु भैया मैं चाहता हूँ आप मेरी इस धंधे में मदद करो, आप चाहो तो मेरा एक दुकान संभाल सकते हो। ये सुन रघु की आंखों में पानी आ जाता है और रघु समर से, समर मैं तुम्हारा दुकान संभालूंगा, मगर मैंने तुमसे इतना बुरा बर्ताव किया फिर भी तुम मुझसे अच्छा बर्ताव कर रहे हो। रघु भैया, इस शहर में मुझे पहले सहारा देने वाले तुम ही थे, इसलिए मैं तुम्हें आजीवन नहीं भूल सकता। समर की बातें सुन रघु की आंखें भर आई और वो गले मिल गए। अब उनका तंदूरी चाय का धंधा बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। उसके यहाँ लोगों की भीड़ हमेशा लगी रहती थी। समर अब बहुत अमीर आदमी बन गया था। ये सब तंदूरी चाय की वजह से हुआ था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में अच्छे विचार ही करने चाहिए। अच्छे विचारों का फल अच्छा ही होता है और दूसरों के प्रति मन में घृणा नहीं रखनी चाहिए। एक समय की बात है, श्रीरंगपुर नाम के शहर में वीरेन नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। वीरेन बहुत ही संस्कारी और साफ दिल का इंसान था। वीरेन के घर से कुछ दूरी पर ही उसका एक छोटा सा होटल था जिसे वो बहुत अच्छे से चलाता था। वीरेन का जीवन बड़े आराम से चल रहा था। वो हर सुबह जल्दी उठकर बाजार जाता, होटल में लगने वाला सामान खरीदता और दिन भर अपने होटल में अपने ग्राहकों की मनपसंद चीजें बनाता।
और शाम को जल्दी होटल बंद करके घर आता था। वीरेन के परिवार में उसके माता पिता और उसकी पत्नी सपना और बेटा संदीप था। वे सब मिलकर एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। एक दिन वीरेन घर पर बहुत देरी से आता है। घर के सभी लोग वीरेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन घर आकर वीरेन बिना किसी से बात किए अपने कमरे में सो जाता है। सपना को समझ आ जाता है कि आज जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। सब लोगों का खाना होने के बाद सपना भी अपने कमरे में जाती है और देखती है कि वीरेन चेयर पर बैठकर किसी गहरी सोच में डूबा है। तभी सपना वीरेन से, जी सुनते हो, क्या हुआ है? आज अपने घर में किसी से बात तक नहीं की और बिना खाना खाए आप कमरे में चले आए, मुझे बताइए क्या हुआ है? सपना, ऐसा कुछ भी नहीं, बस आज खाना खाने का मन नहीं था और थोड़ी थकावट भी लग रही थी, इसलिए मैं सीधा कमरे में आ गया, तुम सो जाओ। क्या सच में ऐसी कोई बात नहीं है या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस तुम सो जाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर कुछ चिंता की बात है तो आप मुझे जरूर बताइए, क्या पता शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। नहीं सपना, कुछ भी नहीं, तुम सो जाओ। सपना को पता था कि कुछ तो बात है, लेकिन वो वीरेन को और परेशान नहीं करना चाहती थी। वो बिना कुछ बोले सो गई। अगले दिन वीरेन हर रोज की तरह सुबह जल्दी उठकर होटल के लिए निकल गया और बहुत रात को घर आया। अब ये सिलसिला रोज का हो गया था। सपना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ऐसे क्या हुआ है कि वीरेन इतने चिंता में रहता है, किसी से बात नहीं करता और ना ही अपनी परेशानी बताता है। हर रोज की तरह वीरेन आज भी घर बहुत लेट आता है। सपना ने आज सोच ही लिया था कि वो आज वीरेन से हर हालात में पूछ कर ही रहेगी। सपना अपने कमरे में जाती है और वीरेन से, जी क्या हुआ है? आज आपको बताना ही होगा, बहुत दिन से देख रही हूँ, आप बहुत चिंता में लगे रहते हो। कुछ नहीं सपना, जाओ तुम सो जाओ। नहीं, आज तो आपको बताना ही होगा। वीरेन अपने परिवार को चिंता में डालना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने आज तक किसी को कुछ नहीं बताया था। लेकिन आज सपना उसे ये बात पूछकर ही रहेगी, ये उसे पता था। और सपना कितनी जिद्दी है ये भी उसे पता था। सपना, हमारे होटल के सामने ही मेरे दोस्त ने एक बहुत बड़ा आलीशान होटल शुरू किया है। उस दिन से हमारे होटल में लोगों का आना बहुत कम हो गया है और अब धीरे धीरे हमारा होटल जैसे बंद होने आया है। होटल में काम करने वाले लोगों की सैलरी भी नहीं दे पा रहा हूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ, घर कैसे चलाऊ, होटल का क्या करूँ, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। जी आप चिंता मत करिए, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा, सब अच्छा होगा, बस आप निराश मत होइए, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। चलो अब पहले खाना खा लो और हाँ, कल सुबह सबसे हम इस बारे में बात करते हैं। नहीं सपना, सब लोगों को बताकर मैं सबको टेंशन नहीं देना चाहता। जी ऐसी बात नहीं है, क्या पता सबसे बात करने पर कुछ ना कुछ रास्ता निकल आए। और फैमिली का तो काम ही है हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहना। चलो अब जल्दी खाना खाकर सो जाओ। वीरेन खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह सब लोग नाश्ते के लिए साथ में बैठ जाते हैं। तभी सपना वहां आकर सभी घर वालों को वो बात बताती है। होटल की बात सुनकर वीरेन के पिताजी वीरेन से कहते हैं, बेटा वीरेन, किसी भी होटल के सामने कितना भी बड़ा आलीशान होटल या कौन सी भी आलीशान चीज खोलने से किसी का धंधा नहीं डूबता। तुम तुम्हारे होटल की स्पेशलिटी क्या रखते हो ये इम्पोर्टेंट है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना बेटे? मैं समझा नहीं पिताजी, साफ साफ कहिए ना आप क्या कहना चाहते हो। बेटे, तुम तुम्हारे होटल में कोई ऐसी चीज बनाओ जो कि सिर्फ तुम बनाते हो और अपने ग्राहकों की डिमांड को पहचानो, उन्हें क्या चाहिए और उसे लोगों के सामने अच्छी तरह से पेश करो। जैसे ही तुम ऐसा कुछ करोगे तुम्हारा होटल उस बड़े होटल से भी ज्यादा चलेगा। ऐसे निराश मत हो, यही तो वक्त है बेटा नए जमाने के साथ बदलने का, नया कुछ करने का। कब तक तुम वही वही काम करते रहोगे? लेकिन पिताजी, खाने के मामले में हम क्या नया कर सकते हैं? लोगों को आजकल बड़े बड़े आलीशान होटल में जाना और वहां खाना खाना अच्छा लगता है, और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम हमारे होटल को बड़ा बना सके। दादाजी और पिताजी की ये सारी बातें बाजू में खड़ा संदीप सुन रहा था। संदीप ने हाल ही में अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी और वो सोच रहा था कि ऐसा क्या किया जाए कि उसी होटल को एक अच्छी पहचान मिले और उनका होटल सारे शहर में फेमस हो जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद संदीप अपने पिताजी और दादाजी से, पिताजी दादाजी,
मेरे पास एक कल्पना है, अगर वैसा करते हैं तो हमारा होटल पूरे शहर में फेमस हो सकता है और कमाई भी बहुत अच्छी होगी। ऐसी क्या कल्पना है संदीप, जरा हमें भी बताओ। देखिए पिताजी, ज्यादातर लोग जब होटल में खाना खाने जाते हैं तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप या अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, और जब पूरी फैमिली या ग्रुप होटल में आते हैं तो सब लोग अलग अलग ऑर्डर करते हैं। सबका कुछ ना कुछ अलग ऑर्डर होता है। अगर हमने ऐसी थाली बनाई जिसमें अलग अलग प्रकार के व्यंजन हो और वो एक ही थाली चार लोग मिलकर भी खा ना सके, और अगर किसी ने चार लोगों ने मिलकर वो थाली खा ली तो उन्हें हम कुछ ना कुछ इनाम देंगे, तो लोग एक ही थाली की ऑर्डर देंगे और उनकी पूरी फैमिली उसमें खाना खा सकेगी। हाँ संदीप, ये कल्पना तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। वीरेन, तुम्हें ये करके देखना चाहिए। हाँ पिताजी, हम ऐसा ही करते हैं। मेरा भी कॉलेज अब पूरा हो गया है, मैं आपको इस काम में पूरी मदद करूंगा। इंटरनेट पर भी हमारी थाली की मार्केटिंग करूंगा। जी अब ज्यादा मत सोचिए, आप आज से ही काम शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलो संदीप, आज से तुम भी मेरे साथ होटल चलोगे। संदीप और वीरेन होटल में आते हैं। संदीप उस दिन आसपास के होटल में जाकर वहाँ के ग्राहकों से बात करता है, लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं ये सब बातें पता करता है, और अपने होटल में आकर सारे कर्मचारियों की एक मीटिंग लेता है और उन्हें सब समझा देता है कि कल से उन्हें क्या करना है। सारे कर्मचारी भी संदीप की नई योजना की तारीफ करते हैं और काम में जुट जाते हैं। तभी उनमें से एक कर्मचारी संदीप के पास आता है और संदीप से पूछता है, संदीप भाई, अगर हम इतनी बड़ी थाली लोगों को देने वाले हैं तो हमें उस थाली का कोई नाम भी तो देना पड़ेगा ना। इतनी बड़ी थाली है तो हम उसे बाहुबली थाली नाम देते हैं। हाँ, ये नाम तो बिल्कुल सही रहेगा संदीप भाई। उस दिन संदीप और होटल के कुछ कर्मचारी रात भर होटल में ही रुकते हैं। सब मिलके सारी तैयारियां कर लेते हैं। संदीप ने एक बहुत बड़ा बैनर बना लिया था, उसे संदीप और कुछ कर्मचारियों ने मिलकर रात में ही होटल के बाहर लगा दिया। संदीप ने इंटरनेट पर भी बाहुबली थाली की मार्केटिंग कर ली थी। अगले दिन लोग होटल के पास आते और बाहर लगा बैनर देखते थे और उसे पूरा खाने पर जो इनाम मिलेगा ये देखते थे। उस दिन बहुत सारे लोगों ने बाहुबली थाली खाई। अचानक से एक दिन में आए ये बदलाव को देखकर वीरेन भी बहुत खुश हो जाता है। तभी एक ग्राहक संदीप से, भाई यहाँ के होटल मैनेजर कौन है? जी मैं हूँ, बताइए आपको क्या चाहिए सर? अरे वाह बेटा, तुमने एक ही थाली में पूरी फैमिली खा सके ये जो काम किया है ये बहुत बढ़िया है। और हाँ, तुम्हारे थाली के सारे व्यंजन बहुत टेस्टी है। मैं मेरे दोस्तों को भी जरूर बताऊंगा कि तुम्हारे होटल आकर बाहुबली थाली खाए। धन्यवाद सर, आपको हमारी बाहुबली थाली पसंद आई ये सुनकर हमें सच में बहुत खुशी है सर। सच में बहुत स्वादिष्ट खाना है तुम्हारे थाली का। चलो अब मैं चलता हूँ। वीरेन ग्राहकों की ये बात सुनकर संदीप के पास आता है और संदीप से, बेटा सच में तुम्हारी कल्पना बहुत अच्छी है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लोगों को ये सब पसंद आएगा। पिताजी अभी तो सिर्फ आज का पहला दिन है, आगे आगे देखो होता है क्या। अच्छा है बेटा, मैं तो कहता हूँ आज से तुम ही इस होटल को संभालो। हाँ पिताजी, मैं आपको पूरी मदद करूंगा। संदीप और वीरेन घर जाते हैं और घर पर आज हुई सारी बातें बताते हैं। सारे घर वाले बहुत खुश होते हैं। अगले दिन से संदीप और वीरेन मिलकर होटल संभालने लगते हैं। धीरे धीरे उनके होटल में ग्राहक बहुत बढ़ने लगे। कुछ ही महीनों में उनकी बाहुबली थाली पूरे शहर में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में इतनी फेमस हो जाती है कि अब दोनों ने मिलकर कई शहरों में बाहुबली थाली के नए होटल शुरू कर दिए। अपने बेटे और पोते की तरक्की देख दादाजी भी बहुत खुश हो जाते हैं और एक दिन उनसे कहते हैं, देखा बच्चों, मैंने तुमसे कहा था ना, होटल आलीशान और बड़ा होने से कुछ नहीं होता, बस तुम्हारी स्पेशलिटी और क्वालिटी ही तुम्हारी पहचान होती है। तुम हमेशा ये बात याद रखना। हाँ दादाजी, आप बिल्कुल सही थे, मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा। संदीप ने अपने होटल में बाहुबली थाली शुरू की और उसे एक नए मुकाम तक लेके गया। वो आगे जाकर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। वीरेन भी अपने बेटे की तरक्की देखकर बहुत खुश था। देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बड़ा बनने के लिए किसी बहुत बड़ी चीज की जरूरत नहीं होती, बस एक नई सोच की जरूरत होती है।